रायपुर में अंतर्गत चेपकांड मामले में कांग्रेसियों ने आयकर विभाग से प्रत्याशी खरीद फरोख्त में इस्तेमाल की गई रकम को चेक से जांच के दायरे में लाने की मांग की है। तो वही मामले में विधायक विकास उपाध्याय ने बताया है कि ये पूरा मामला एक का है और मंतुराम पवार ने इसको कोर्ट में कबूल कर शपथ पत्र दिया है और इसी पूरे मामले को आयकर विभाग से इस पूरे मामले में मांग की गई है कि इस पूरी राशि की जांच की जाए। पत्र हम लोगों ने दिया जिसमें हम लोगों ने ये शिकायत की है कि अगर 7.5 करोड़ का लेन देन हुआ है तो क्या मंत्री जी के बुक्स में वो 7.5 करोड़ रुपया कहाँ से आया उसका उल्लेख है, और है तो उसका टैक्स, इनकम टैक्स उस पर टैक्स लगा है कि नहीं लगा है, या नहीं है तो उसकी उस पर पेनाल्टी होना चाहिए, और ये भ्रष्टाचार का पैसा कहाँ से आया इसकी जांच होकर इस पर कार्रवाई होना चाहिए, इस पर नोटिस होना चाहिए, इसको लेकर आज हम लोग यहाँ दोनों जगह गए थे। रायगढ़ में